मुझे डरा रही है बहू। कितना खुश हो रही है मुझे डरा के, आपी को डरा रही है। आज उदा घर पे नहीं है, हारिया बोर हो रही है। हादिया मोबाइल की आवाज़, थक जाएंगे आप, कमर रह गई है ना। हाँ थक जाएंगे आप सारा दिन बैठ बैठ के। यहाँ पे तो कोई बैठने का सीन ही नहीं है, कहीं लेटने का, कमर सीधी करने का सीन ही नहीं है। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे और खुश होंगे। हाँ जी, बैटरी क्या बैटरी है, ये फुल है। आज ना हादिया अकेली है, और अकेली क्यों? हाँ जी, इसलिए हादिया जो है ना वो उदास उदास फिर रही है। कभी इधर को वो घूमती है, कभी उधर को घूमती है, इसका दिल नहीं लग रहा। अभी मोबाइल पकड़ने की कोशिश करी है कि मैं ना थोड़ा अपना माइंड चेंज कर लूँ। इसने ना सुबह सुबह ही नहा लिया था, आज इसकी तबीयत नहीं सही थी। सुबह सुबह ना एक मैंगो खा लिया शायद, उसकी वजह से ना इसकी समय गर्मी हो गई और इसने उल्टी कर दी। पानी ऊपर से पी लिया और इसलिए उल्टी आ गई। तो जी खैर, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट भी कर दें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, वरना बाबा आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा करके। तो जी अभी ना हंडिया वगैरह मैंने सब्जी काट के रख ली हुई है, क्योंकि गैस आने वाली है, अभी आई नहीं है, अभी आधा घंटा बाकी था। तो ना मैं किचन में अभी दूध भी बॉयल करने वाला रहता है, दूध आया था लेट तो गर्म है ज़रा, क्योंकि मैंने रखा चूल्हे के ऊपर लेकिन गैस चली गई, तो थोड़ा सा बॉयल हो चुका है लेकिन अभी फुल बॉयल इसको नहीं आया था, तो अभी ये गर्म बहुत है, मैं फ्रिज में इसको रख नहीं सकती। अभी गैस आएगी तो फिर इसको एक बॉयल दे के फिर फ्रिज में, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखूँगी। और देखिए सब्ज़ी मैंने काट ली है, आज हमारी सब्ज़ी इतनी सी है। क्यों इतनी सी है? क्योंकि अम्मी घर पे नहीं है। आपने ये कहना अम्मी इतना खाती है, नहीं अम्मी इतना नहीं खाती, खैर अम्मी थोड़ा ही खाती है, लेकिन ना फिर गर्मी है, कुछ दिल नहीं करता सी खाने को ना, तो फिर दो जब दो या तीन बंदे हों खाने के लिए, फिर इतना ज़्यादा सालन बनाने का क्या मतलब हुआ। ये अगर दोपहर गुजरेगी फिर रात गुजरेगी तो सालन ख़त्म हो जाएगा, कल फिर नया सालन बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन ना, पहली बात है रोटी खाने को दिल ही नहीं करता, अगर दिल कर भी आए तो फिर इतनी ज़्यादा खा ही नहीं जाती। तो कल बनाए थे मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने करेले गोश्त बनाए थे, वो इतने यमी बने थे ना, तो वो यमी बने थे। और उसके साथ मैंने बनाया था सैलेड, लेकिन सैलेड किसी ने भी नहीं खाया, और करेले को जो ना हमारे चबाटा करके ख़त्म हो गए, इतने यमी बने थे। तो अभी फ़िलहाल मैंने मशीन लगाई हुई है, मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े हैं तो वो धो दूँ, ताकि ना देर तक मैं फ्री थी तो गैस भी आ जाएगी, जब तक सब्ज़ी तो बन गई है तो रोटियाँ बनाएँगे, कहानियाँ बनाएँगे, फिनिश हो जाएगा काम। और देखो मशीन ने आवाज़ दे दी है, एक जो ना उसकी आवाज़ से ना एक मुझे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है, और फोन करके आ जाता है, कितना शोर करता है, इसने आना भी हमारे दरवाजे के सामने ही खड़े होना है। मेरा दिल कहता है मैं किसी दिन इसको बोलूँ कि भरावा साढ़े दरवाजे के ना खुला जाए, मेरा बच्चा इस टाइम सुता होता है। देखें ये देखें, ये हमारे बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा है, मैं अभी ना बाहर से दिखा नहीं सकती, वरना ये हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, जैसे सारी आइसक्रीम हमने ही इसकी लेनी है। इसने आवाज़ ज़ार करके मुझे रख दी है, और मैंने गुस्सा आता है इसी टाइम, ही बस वही होती है और इसी टाइम ये आ जाता है। तो खैर मशीन ने आवाज़ दे दी है, तो मैं कपड़े वगैरह निकाल लूँ, तो फिर देखते हैं जब तक ये भी चला जाए, ऊपर से आके बाँ बाँ करने लग जाता है। देखें गैस आ चुकी है इस वक्त, और मैं अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ, और ये देखें आज ना हमारे घर में ना
कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट सब्जी वाले हैं हम अब, और हमारे घर में प्याज नहीं था तो ना कल मैंने सैलेड बनाया था तो वो किसी ने खाया नहीं, तो मैंने कहा हंडिया तो बनानी है ना, और मियाँ साहब अकेले हैं शॉप पे तो वो प्याज जो है ना मुझे देने आ नहीं सकते, क्योंकि इसी तरीके से फिर मैंने हंडिया बनानी थी ना, तो मैंने ना सैलेड में से प्याज निकाल लिया और ये प्याज मैंने वॉश करके अब इसके साथ मैं हंडिया बनाने लगी हूँ। तो कोई जुगाड़ तो लगानी होती है ना फिर यार, अब रोटी हंडिया तो बनानी है, गैस ने बाद में चले जाना है, और दरअसल ना वो भूल गए मुझे प्याज भेजना, उन्होंने रात का निकाल के रखा हुआ था प्याज, रात को भी लाना भूल गए, तो इसलिए ना अब सुबह जो है वो आए कोई नहीं। सब्ज़ी जो है वो मैंने भाई से मंगवाई है, तो इसलिए ना मुझे लगता है वो भूल गए हैं प्याज देना, और साथ में धनिया भी नहीं भेजा, धनिया भी नहीं दिया उन्होंने, भूल के शायद वो भी, क्योंकि मैंने कल याद से कहा था कि धनिया भी नहीं है तो धनिया भी भेज दीजिएगा, लेकिन नहीं भेजा, तो खैर शायद भूल गए हो, तो अभी मैंने फिर धनिया तो के बगैर ही हंडिया बनाऊँगी, और प्याज जो है वो मैंने जुगाड़ लगा ही लिया है, तो अभी चलते हैं अपने काम की जानिब, स्टार्ट होते हैं, और मशीन का भी मेरा तकरीबन काम जो है ना वो एंड पे है, बस ना थोड़ा सा ही काम रह गया, सोफ़े के कवर उतारे हुए थे वो धोने वाले रह गए, बाकी के सारे कपड़े मैंने ना धो लिए, तो अभी मैंने कहा पहले हंडिया को ऊपर रख दूँ, फिर बाद में जाके ना सोफ़े से कवर जो है वो निकाल के धो के फिर वो ड्राई कर लूँगे, तो बाकी काम जो मेरा हो चुका है, थोड़ा घी थोड़ा कम है तो मैं ज़रा घी डाल दूँ, और थोड़ी ऑयल डाल दूँ क्योंकि हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं थोड़ा ऑयल डाल दूँ। अभी मेरी हंडिया तो रेडी हो चुकी है, बस धनिया की कमी है, धनिया नहीं है, और रोटी मैं बनाने लगी हूँ, बाहर का काम भी हो गया सारा, सेन भी मैंने साफ़ कर लिया, और कपड़े भी जो है ना वो फैलाने के लिए टोकरी में डाल के रख लिए, ऊपर फैला के आऊँगी, तो अभी जो है पहले मैंने कहा रोटी बना लूँ, गैस ना बंद हो जाए, फिर रोटी बनाने लगी हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे जी। अभी जो है ना रोटी देने जा रहे हैं मेरे सबको, और साथ में ना मैंने अपना सूट लिया, सूट मैंने कहा मेरे कपड़े कहाँ, पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो शॉपर वाला, ये ना इसके साथ लेस लेनी है और देनी है, ये लेस लगवानी सूट सिलाने के लिए देना, चलो अच्छा। देखिए जी हम रोटी देने आए इनको, दुकान के ऊपर बैठ के खाना खाने लगे हैं, सैलेड अब हम प्याज इनसे लेके इनको अर्जेंट काट के दे दिए हाँ वो छोटी चटाई पड़ी है वो यार ले आए, आप यहाँ पे बिछा लें आराम से, बंदा बैठ भी सकता है लेट भी सकता है, हाँ तो ले आए यहाँ पे चटाई, तकिया भी वैसे कुशन एक छोटा सा ले आए घर से, बंदा कमर सीधी कर लेता है ऐसे, तो थक जाएंगे आप, कमर रह गई है ना, हाँ थक जाएंगे आप सारा दिन बैठ बैठ के, यहाँ पे तो कोई बैठने का सीन ही नहीं है, कहीं लेटने का, कमर सीधी करने का सीन ही नहीं है, सब्जियों का स्टॉल लगाया हुआ है, देखिए जी कैसे आधा प्याज उधर गया हुआ है, आधा ये है आधा ये है आधा ये है, प्याज ही प्याज है आप दुकान पे, और हिबा भी अपने पापा के साथ बैठ गई है। देखिए इस वक्त दुपट्टा पीको हो रहा है जी, फाइनली हम घर आ चुके हैं, और दुपट्टे को पीको मैंने करवा लिया, उसने किए नहीं, मैंने कहा था मैं वापसी पे ले लेती हूँ, लेकिन जब गई हूँ तो उसने दुपट्टे को पीको ही नहीं की, फिर बैठी तो फिर उसने दुपट्टे को पीको की, और फिर हम लोग लेके और आए, और खाना शाना भी खिला के आ चुके हैं, बर्तन भी ले आए हैं, साथ में फालसा भी लेकर आए हैं, फालसे का जूस बनाएंगे अब हम, मज़े करेंगे, बहुत थक गए, ये बाग उठा के चलना बहुत मुश्किल काम है, इसको भी फ्रिज में रखते हैं, ये मुझे डरा रही है बहू कितना खुश हो रही है मुझे डरा के, पापी को डरा रही है आज उधर घर पे नहीं आ रही है, बोर हो रही है, अरे मोबाइल की आवाज़ कम करो, हाँ जी आप ही डर रही, आप ही है आप ही क्या कहती है, हाय बू, हाय बू, हाय बू, हाय बू, हाय बू, हाय बू,
करती कर देगा, आई करती कर देगा, आई करती कर देगा बहू मुझे। वो एक और आ गया, वो देखो एक और आ गया, वो एक और आ गया, वो देखो एक और आ गया, ये देखो ये बहू है आई, बहू कहती कर ले इसके। वो ऐसा टूट गया, सारे टूट गया, वो टूट गया सारे, उड़ गया, ओ उड़ गया, उड़ गया, ओ आ 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 हाय कैसे कर लेगा मेरे, हाय कैसे कर लेगा, हुई ड्रो रही मुझे, हाय हाय। तो जी यहाँ पे ना मैं अब अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा शेयर किया और दुआओं में याद रखिएगा। लाइट भी ऑफ हो गई है, लाइट ऑफ हो गई है, शांति हो गई है, बात जो भी आ रही थी सारी बातें बंद हो गई हैं। गंदा कचरा ये, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, उसको नहीं हाथ लगाते।